करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 24 किलो की सीलिंग पर बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वजन के हिसाब से ही अब सेब बिकेगा। नई व्यवस्था पर भ्रांतियां फैल रही हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पहली बार वजन के हिसाब से अब सेब बिकेगा। ये बड़ी खबर, संशोधन के लिए सरकार तैयार है। 24 किलो की सीलिंग पर यह बड़ा फैसला लिया गया और अब सेब वजन के हिसाब से ही बिकेगा, तो नई व्यवस्था पर भ्रांतियां फैल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पहली बार वजन के हिसाब से सेब को बेचा जाएगा, यानी कि अब सेब की बिक्री वजन के हिसाब से होगी। संशोधन के लिए सरकार तैयार है। एम को लेकर, मांग को लेकर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक सर्वदलीय जो कमेटी का गठन किया कि इसके बारे में सरकार को राय दें कि ये जो है भांग की खेती को इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए किस तरह से स्टेट के फायदे हो सकते हैं, तो इस सर्वदलीय जो हमारी कमेटी है जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के मेंबर्स हैं हमारे माननीय सदस्य, और उस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरे हिमाचल के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्टों का भ्रमण किया, और इसमें जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी हमने जो है बैठकें की, उनके सुझाव भी लिए हैं। साथ में पड़ोसी राज्य जो हमारा उत्तराखंड है, जहां पर बांग की खेती के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है, परमिशन भी दिया हुआ है, और साथ में मध्य प्रदेश में भी यही है, तो सारे जगह से हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया है। यूनिवर्सिटीज से भी हमने कॉन्टैक्ट किया है, जैसे हमारा नौनी यूनिवर्सिटी है, हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है, तो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो इसमें लगे हुए हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज बना रहे हैं, अब बाहर के जो फर्म्स हैं वो भी इंटरेस्टेड है कि हिमाचल में जो है अपना सेटअप जो है इसका मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल के लिए करना चाहते हैं।